को फॉरवर्ड करेंगे और वो ये आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में, इस मामले के तहत कोई भी ऐसा लूपहोल वो लोग नहीं रखेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जस्टिस जल्द से जल्द सर्व किया जाए जो सर्वाइवर। यूनिवर्सिटी स्पेस में अगर ऐसा हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्पेस में ये संभव था कि कोई छात्र संगठन के लोग हैं, छात्र जब संगठित होते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करने के लिए होते हैं, अब ये तो कहीं से कुछ अच्छी बात नहीं है। जो जिसका नाम ABVP है, जो भारत के संस्कृति और संस्कार का बात करता है, जो संस्कृति और संस्कार का बात करता है उसी संगठन के लोग एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, रेप करते हैं, और ये एक घटना नहीं है जो कि राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, ये दो घटनाएं हैं। जानते ही होंगे कि कुछ समय, अभी दो दिन पहले की शायद बात है ये, जिस दिन JNVU विश्वविद्यालय में वहाँ पे हॉकी ग्राउंड के बीचों बीच एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका रेप किया गया है, और उसमें जो लोग शामिल थे वो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, मगर अभी तक सरकार उनको क्या सज़ा देगी, कब तक क्या सज़ा देगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इन सारे लोगों का जाना माना वहाँ पर जो पुलिस है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो ABVP के साथ जुड़े हुए लोग हैं, JNVU विश्वविद्यालय के जो अभी अध्यक्ष हैं वो ABVP के अध्यक्ष हैं, उनके विश्वविद्यालय में ये छात्र संगठन इस तरीके से इतना ज़्यादा हो गया है कि इनके कार्यकर्ता आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, विद्या के मंदिर के अंदर जाके इस तरीके की हरकत करने से कतरा नहीं रहे हैं, शर्मा नहीं रहे हैं। गिरफ्तार होने के बावजूद अभी तक उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उस पर कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो वो नाबालिग लड़की है उनको न्याय मिले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू हो। हमारी गहलोत सरकार से ही मांग है जी। लेकिन राज्य में और भी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसी कल ही एक घटना हुई है जिसमें भी क्या बोलते हैं, फिर से एक ABVP छात्र का लिंक समझ में आया है। तो मतलब आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे जो छात्र है और जो उनकी भी जो पार्टी है भाजपा, उनके मतलब कार्यकर्ता इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, मगर वो बच जाते हैं या फिर उनको पकड़ लेते हैं, बट उसके बाद कुछ साबित नहीं हो पाता है, चीज़ें चर्चा में रह जाती है, फिर खबरें दब जाती हैं और उसके बाद कुछ उनका निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है। तो हमारी ये मांग है कि इससे पहले ये खबरें दब जाएँ, इससे पहले ये चर्चा दब जाए, जल्द से जल्द गहलोत सरकार इस पे काम करे। और उस पर देखिए, इसमें मैं एक बहुत साफ तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, सभी लोगों ने यहाँ पे पिछले दो महीने एक जो बहुत लंबा रेसलर्स का संघर्ष चला है वो देखा है, उसमें एक बहुत ही अहम भाजपा के ही नेता, भाजपा के MP ब्रिजभूषण सिंह थे, तो ये साफ साफ दिखाई देने लग गया है कि ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पढ़ाई तो ये बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं, शिक्षा के उसमें कुछ बढ़ नहीं रहा है, और बेटी बचाने की बात भी बहुत दूर की बात है, यहाँ पे बेटियों के साथ रोज कुछ ना कुछ घटना मांगे हैं वो मतलब जो विक्टिम है उसके साथ में, और सोसाइटी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा कि अगर हम जो एक्यूज्ड हैं ऐसे उनको प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट करें। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो अक्रॉस द कंट्री जहाँ भी ऐसी सरकारें हैं जो कि पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करती हैं, जो पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा उससे मदद लेती हैं, वो ऐसे कामों को बहुत हद तक पनिश नहीं कर पाती है, और इसी कारण मतलब हम देखते हैं कि जो ऐसे क्राइम है वो अब NCRB का डेटा देख लिया जाए या फिर कोई भी और डेटा उठा के देख लिया जाए तो देश में बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कोर्ट का काम एक सीमा के बाद आता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और वो सब हो जाता है। अगर हम यही चीज़ देखें कि पुलिस कितनी हद तक अपनी इन्वेस्टिगेशन सही कर रही है और कहाँ कहाँ तक मतलब कितने केसेस में हो पाती है, अगर वही नहीं हो पा रही तो कोर्ट चाहे कितना भी कोशिश कर ले, अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई तो वो कितना ही मतलब आरोपियों को अपनी सज़ा दे पाएगी। और हम तो यही मांग करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही से हो और कोर्ट अपना काम जरूर करती रहे। देखिए, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पर यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस होता है जहां हमें इंश्योर करना चाहिए कि चाहे वाइडर सोसाइटी में उनका इतना एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक, हम वहां भी बिल्ड करें, पर यूनिवर्सिटी में हमें एक स्पेशली एक सेफ स्पेस बनानी चाहिए ताकि बेसिकली वो यूनिवर्सिटी में आके वो पढ़ सकें और वो बाहर जाके समाज को परिवर्तित कर सकें। और अगर हम ये देखते हैं कि JNVU में जैसे एक यूनिवर्सिटी में ही वो नहीं है बेसिकली वो सेफ स्पेस, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाकी के समाज से कि वो हम उस महिला को कैसे ट्रीट करेगी या फिर कैसे उस पर उस नज़र पे देखेगी। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात एक तो महिला सुरक्षा का है जो आप लोग भी बहुत देर से कह रहे हैं कि ये चीज़ हर राज्य में होता है, हर राज्य में होना, और इस केस में एक फ़र्क है। इस केस में ये फ़र्क है कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका नाम ABVP है, जो भारत के संस्कृति और संस्कार का बात करता है,
हाँ, जो संस्कृति और संस्कार का बात करता है उसी संगठन के लोग एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, रेप करते हैं। और ये एक घटना नहीं है जो कि राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, ये दो घटनाएं हैं। और उसके बाद ये करने के बाद जब पता होता है कि ये एबीवीपी के लोग हैं, उसके बाद एबीवीपी क्या करता है कि प्रोटेस्ट करता है गहलोत सरकार के खिलाफ। पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपके संगठन में किसी से गलती हुआ है आप बोलिएगा कि ये जो इंसान है इसका, इसको हम संगठन से निकालते हैं। गलती मानना, अगर कोई गलती मान रहा है तभी हम मान सकते हैं कि वो सुधर सकता है। पर एक तो एबीवीपी उसको दबाने का कोशिश कर, सरकार का, अरे सरकार और एबीवीपी दो अलग अलग चीज़ है। हाँ, जो एबीवीपी है वो पूरे भारत में ढिंढोरा पीटती है कि भारत की जो बेटियां हैं उनको कैसे सुरक्षित रहें, पर यही एबीवीपी के लोग जो लड़कियां हैं संगठन के अंदर उनको सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। देखिए पहले तो एबीवीपी के बारे में बात कर लेते हैं, आप मेरे बारे में बात करके क्या करिएगा, नहीं मतलब कुछ बात हो तो बताइए। हाँ, तो सीधा बात है कि जो एबीवीपी का बात है, और एबीवीपी दिल्ली में भी है, और दिल्ली में भी इनका यही रहता है कि संस्कारी लड़कियां जो कुर्ती पैजामा पहनेंगी, ऐसा कपड़ा पहनेंगी, वैलेंटाइंस डे के खिलाफ जो लड़ेंगे। लेकिन अपनी अभी जो केस आया उसमें है कि हम आपको नेता बना देंगे, हाँ, और ये बात कह के दुष्कर्म किया है। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन के अंदर कितना दिक्कत है। हाँ, उस संगठन के अंदर क्या लड़कियों को नेता बनने के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, वो एक दूसरा मसला है। हाँ, तो आज छात्र संगठन जो कि आरएसएस का छात्र संगठन है एबीवीपी, इसलिए आज आरएसएस पे भी सवाल उठता है कि आरएसएस क्या कर रहा है। एक तरफ ब्रिजभूषण को बचा रहा है, हाँ ब्रिजभूषण को बता चाचा, अभी चार्जशीट आया है ना, अभी आया है चार्जशीट दिल्ली पुलिस का। हाँ, वो उनके खिलाफ इतना एविडेंस है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, पर किया नहीं गया। तो अगर आप बड़े नेताओं को इस तरीके का ग्रीन फ्लैग देंगे दुष्कर्म और बाकी चीज़ करने के बाद, तो जितना छुटवैया नेता है ना उनके और पंख लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये जितना लोग एबीवीपी में है हर दिन बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठता है, उनको पता है कि वो कुछ करके बच सकता है, वहीं से वो आ रहा है बचने का। और एबीवी के खिलाफ प्रदर्शन है या गहलोत सरकार के खिलाफ? हाँ, अब दोनों के खिलाफ है। हाँ, ये समझना शायद इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग कर रहे हैं। एक तो एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन है कि जो संस्कृति का बात करती है और उनके जुड़ा है बीजेपी से और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अरे सुन तो लीजिए, सुन सकते हैं आप पूरी बात। हाँ, एक तो एबीवीपी के खिलाफ है कि जो संस्कृति का बात है एबीवीपी का, और जो संगठन के अंदर उनका इतना बड़ा क्राइसिस है कि आपको नेता बनने के लिए जो क्लेम्स आ रहे हैं। हाँ, तो एक तो उसके खिलाफ एबीवीपी के खिलाफ है। हाँ, पर चूंकि वहाँ पे सरकार और पुलिस दोनों राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है, तो उनके खिलाफ भी है कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। हाँ, क्योंकि मतलब आपके राज्य में कुछ हो रहा है तो उनकी गलती है, उनको तुरंत चार्जशीट करके उनको अंदर करना चाहिए, अभी जाके वो अरेस्ट हुए हैं। हाँ, हाँ अभी तुरंत किया ना, चार्जशीट का क्या है। हाँ, तो मतलब वही है, स्पीड ट्रायल होना चाहिए, पुलिस को अच्छा काम करना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के खिलाफ है कि उनके राज्य में ऐसा क्यों हुआ, और एबीवीपी के खिलाफ है कि जो उनका पूरा संस्कृति का पॉलिटिक्स है, जो संस्कार का पॉलिटिक्स है, वो उनके संगठन में क्यों नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से भी कोई, इतना बड़ा कांड हो जाता है राज्य, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यही सुनना चाहते हैं ना। ये तो हम बोल ही रहे हैं दोनों के खिलाफ है हम, अगर कांग्रेस भी अच्छे से लगे, हाँ हाँ, तो इसका अच्छा हो सकता है ना। ऑब्वियसली एक दो दिन पहले गिरफ्तारी हो सकती थी इनकी। हाँ, तो वही बात है कि कांग्रेस सरकार को बचाने की कोई वो नहीं है हमारी कोशिश, और एबीवीपी के खिलाफ को भी बचा, एबीवीपी को कौन बचा सकता है। कॉमरेड आरिफ, कॉमरेड निष्ठा भी है हमारे साथ, हमारे स्टेट कमेटी मेंबर्स हैं, और हम लोग जब गए अंदर तो हमने बात साफ तरीके से रखा, एक कि वहाँ पे सर्वाइवर के ऊपर, क्योंकि सर्वाइवर माइनर है, और किसी भी हाल में किसी तरीके से ऐसा प्रेशर पॉलिटिकली वहाँ पे नहीं बनना चाहिए कि सर्वाइवर या सर्वाइवर के फैमिली पे ऊपर प्रेशर बने, इस केस को गुमराह किया जाए, पहली बात तो ये है। सेकंड, हमें पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक जाति का आधार भी है, जिसके कारण हमने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि किस तरीके से केसेस को दबाया जाता है। तो हमने ये बात भी किया है कि जैसे आप निष्पक्ष जांच की बात हम लोग रख ही रहे हैं, उसके साथ फैमिली को पूरी की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलनी की मिलना ज़रूरी है, कि इस समय पे जब इन्वेस्टिगेशन चले वो फैमिली और जो सर्वाइवर है, जो माइनर है, वो पूरी तरीके से एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा पाएँ, स्टेटमेंट्स दे पाएँ। साथ साथ सिर्फ कॉम्पेंसेशन की बात नहीं है, लेकिन एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहाँ पे एक निष्पक्ष जांच के तहत इमीडिएटली जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड है
उनको पनिश किया जाए, ये तीनों मांग हमने रखा है। हमें आश्वासन दिया गया है पीआरओ और जो रेसिडेंट ऑफिसर है उनके तरफ से कि एसएफआई की तरफ से जो मांग हमने रखे हैं उस पर कार्रवाई लिया जा रहा है। उन्होंने आज भी बोला है कि एसएफआई दिल्ली के तरफ से जो भी हमने डिमांड्स रखे हैं वो लोग इमीडिएटली वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है और उनके ऑफिशियल्स हैं वो डिमांड्स को फॉरवर्ड करेंगे। और वो ये आश्वासन भी दिया है कि इस मामले के तहत कोई भी ऐसा लूपहोल वो लोग नहीं रखेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जस्टिस जल्द से जल्द सर्व किया जाए जो सर्वाइवर। लेकिन राज्य सरकार पे तो भरोसा है, लेकिन जो सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो दबाव बनाया जाता है उस दबाव से ऊपर उठने की ज़रूरत है। आप सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे दबाव बनाएं और जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो सर्वाइवर उसको एक सिक्योर और सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए। हमारा ये भी हमारी एक मांग थी कि सर्वाइवर्स को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव महसूस ना कराया जाए। अगर आप देखें तो कुछ से की जा रही हैं, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सारी कुछ से हो रही हैं कि कहीं ना कहीं से सर्वाइवर जो है उसको तोड़ा जाए, उसकी जो हिम्मत है उसको कमज़ोर किया जाए। हम चाहते हैं राज्य सरकार से, हम ये चाहते हैं कि मामले की एकदम निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष तरीके से हो और जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब तो अरेस्ट हो गए ना आरोपी, अरेस्ट हो गए हैं, जो सजा है तो सजा का भी तोड़ देगी ना। हाँ, सजा का भी जो कुछ प्रावधान है ना, तो उस प्रावधान के तहत उनको सजा भी दी जाए। कोर्ट जो अपना फैसला सुनाए वो एकदम निष्पक्ष तरीके से सुनाए, उसमें कोई जातिवाद का एंगल ना आए, कोई सामाजिक प्रेशर ना क्रिएट किया जाए उन पर, ना राजनैतिक तौर पर। कोर्ट पर भरोसा है? कोर्ट पे भरोसा है, इसीलिए तो निष्पक्ष मांग की जांच कर रहे हैं। बरनाम क्यों मांग की, ऐसे निष्पक्ष मांग की जांच क्यों कर रहे हो? देखिए, कोर्ट पे कितना भरोसा, आप भी ऐसे बहुत से आपने मुद्दे देखे होंगे जहां कोर्ट ने क्या क्या वो दिए हैं। जो जस्टिस कास्टिस्ट लोग तो हर जगह हैं। हम ये देखिए, ये चाहते हैं कि देखिए निष्पक्ष भी अंदर गए थे तो जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने हमें से ये बोला है कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे सर्वाइवर्स को। जैसे कि हमारी फॉरमोस्ट जो डिमांड थी वो यही थी कि सर्वाइवर्स को बिल्कुल भी डराया धमकाया ना जाए लोकल से, या फिर जाति का जो एंगल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम हर दिन देखते हैं, कभी किसी और राज्य में होता है, आज राजस्थान में हुआ। वहाँ पे जो कल्प्रिट्स हैं वो अरेस्ट तो हो गए हैं, पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब कोई माइनर होते हैं तो वो नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये ओवरलुक ना किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और जो यूनिवर्सिटी स्पेस है जहाँ पे जब लड़की पढ़ने जाती है तो वो बहुत चीज़ों से लड़कर ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचती है, तो उस सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एसएफआई हमेशा डिमांड करती है और ये हमने आज भी डिमांड की। कितनी कॉम्पनसेशन की मांग की आपने? कॉम्पनसेशन की नहीं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की मांग की। अभी मैडम तो कह रही थी कॉम्पनसेशन की भी बात की है। कॉम्पनसेशन की बात नहीं की उन्होंने बोला है कि सर्वाइवर्स को सिक्योरिटी चाहिए और फ्री एंड वेल जस्टिस। महिलाएं तो देखिए काफ़ी तरीके से असुरक्षित है, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पेस में अगर ऐसा हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्पेस में ये संभव था कि कोई छात्र संगठन के लोग है, छात्र जब संगठित होते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करने के लिए होते हैं। अब ये तो कहीं से कुछ अच्छी बात नहीं है ना कि सरकार ये दावा कर रही है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई हो, ये हमारी डिमांड है। कार्रवाई हो भी रही है, कार्रवाई हो, निष्पक्ष हो, सोशल प्रेशर ना क्रिएट किया जाए सर्वाइवर्स पे। सर्वाइवर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं तभी यहाँ आए हैं।